मैंने एकदम मस्त क्लीन कर लिया है किचन, और यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे पूरे जूसेस का कॉर्नर, यहाँ पे फ्रूट्स है, यहाँ पे कुछ अमेजिंग जेली वाले फ्रूट्स बनाए हैं मैंने, यहाँ पे कुछ मेन्यू है, और यहाँ पे हम ना मतलब ऑनलाइन भी मतलब हमारे ऑर्डर्स आते हैं तो वो भी हमें करने होते हैं, तो उसके लिए ये कंप्यूटर और ये फोन है, और ये टेबल है, और ये है हमारा किचन। और जो मतलब तो मैं आपको बताती हूँ अभी, तो अभी मैं आपको बताऊँ एक्चुअली हमारा जो होटल है उसमें मैं मतलब हम होटल में जूसे होते हैं तो वो भी है हमारे होटल में, और ऑर्डर भी है, ऑर्डर भी मतलब बाहर बाहर से होता है, मतलब इस एरिया में जो भी ऑर्डर है वो भी मतलब हमारे होटल में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ वो है। और मैं आपको मेन्यू भी दिखाती हूँ, तो ये रहा मेन्यू, यहाँ पे मैंने मेन्यू में जो हमारा डिनर स्टार्टर है वो मेन है वो डाला है, और इसमें जो स्वीट्स है वो और जूसेस है वो अपने मन से बताएंगे ना, इसलिए जूसेस नहीं डाले। तो ये है हमारा मेन्यू, तो चलो अभी हम हमारा दुकान खोलते हैं। ये खोला हमने होटल, ये वो एरिया जिसपे सारे कस्टमर आएंगे और बैठेंगे। चलो गाइस हम देखते हैं कि हमारे कौन से ऑर्डर आए हैं, मैंने मतलब ओपन तो कर दिया है तो देखते हैं। ओके, तो हमें 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 10 वड़ा पाव बनाने, 10 सॉरी कट कट कट। तो गाइस हमें मंचूरियन बनाने हैं, बर्गर और पिज्जा ज्यादा अमाउंट में आया है, तो बर्गर पिज्जा और फ्राइज ज्यादा अमाउंट में आया है, और जो हमारा जेली प्लस जूस है वो ज्यादा आया है, तो जेली और जूस है वो, तो हम वो बनाएंगे। ओ गाइस कस्टमर आ गए, चलो जल्दी से। यस मैम, यस सर, आपको क्या चाहिए? ये है हमारा होटल का मेन्यू कार्ड है, उसमें से आपको जो भी चाहिए वो बता दीजिए। ये एक जेली दे दो। यस मैम। और एक पिज़्ज़ा दे दो। ओके मैम, और कुछ चाहिए आपको सर? मुझे भी सेम। ओके सो दो जेली और दो पिज्जा, एक पीस या फुल? हाँ फुल नहीं, एक एक पीस ही दे दो। ओके, तो मैम आपके टोटल हो जाते हैं, मतलब मैम और सर आप दोनों के टोटल हो जाता है 220, क्योंकि जेली है वो महंगी है थोड़ी सी, इसलिए क्योंकि रियल फ्रूट से बनाती हूँ मैं। ओके चलेगा, थैंक यू मैम और थैंक यू सर, आपका जल्दी से आ जाएगा। क्या मैं आपको पानी ला सकती हूँ? नहीं मुझे नहीं चाहिए। ओके मैम, मैं अभी आई और अभी आती हूँ। तो गाइस मैंने मैम से बोला तो है कि जल्दी से आपका जो ऑर्डर है वो आ जाएगा, तो इसलिए अभी मैं जल्दी जल्दी से काम करती हूँ, तो मैं अभी ज्यादा अमाउंट का बनाऊंगी पिज्जा वगैरह सब। मैम
जल्दी से बना देती हूँ। तो हम पहले पिज्जा पिज्जा है वो जैसे ये कर लेंगे। पिज्जा को सारे टॉपिंग्स वगैरह देने होते हैं ना। ये रहा हमारा पिज्जा और इसकी सारी सब्जियां भी कट करने हमें जल्दी जल्दी से। शिमला मिर्च, और अभी ये सारे सब्जियां तो डाल दिए मैंने। केचप और थोड़े से सॉस, थोड़े से मसाले, थोड़े से टॉपिंग और हो गया। अभी हम जल्दी से इसको ओवन में रख देते हैं। अरे यार ओवन में आप ही टूटना था क्या? पिज्जा को डाल दिया, अभी हम इसको वेट करेंगे। तब तक हम हमारे क्या था, क्या बोला था अभी? हाँ जेली, जेली है वो रेडी ही बन जाती है कभी भी। आपको दिखाती हूँ मैं। ये रहा खजाना, ये सबसे महंगी है, देख सकते हो। चम्मच हिला के किसने ये गैस किया प्लीज कमेंट करके बताना। आधे लोगों ने, छोटे बच्चों ने तो गैस ही किया होगा, है ना फ्रेंड्स? आपको तो पता है ये क्या है, बट मैं नहीं बताऊंगी। तो अभी हम ना तब तक क्या बनाऊंगी मैं, अभी इनका तो सब रेडी है। इनको ये जेली है ना, उसको सिर्फ ठंडी होने के लिए रख देते हैं। और हमें हम बना देते हैं, क्या बनाएंगे हम? फ्राइज बना के रखते थे। तो गाइस ये रहा हमारा आलू, इसको हम ना फ्रेंच फ्राइज के जैसे कट करेंगे। और ये हो गया है, आप देख सकते हैं हमारे फ्राइज से वो हो गए। अभी हम ना इसको, मतलब जब तक मैं कट कर रही थी ना, हम कट कर रहे थे तब तक हमारा ऑयल भी गरम हो गया है, आप देख सकते हो। अरे निकल जा भाई, निकल। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा ऑयल है वो भी है। तो अभी हम इसको ऑरेंज होने तक इसको डालेंगे पैन में, फ्राई होने चाहिए अच्छे से। और ये मैंने ना न्यू चम्मच लिया है, इसमें ना तेल है वो बच जाता है। इनको तो हम 2 मिनट्स नहीं तो 1 मिनट के लिए कर देते हैं ये लो फ्लेम में। और मैम को मैं, उनका पिज्ज़ा है वो रेडी हो गया फैन है, तो वो दे देते हैं हम। सबसे प्रीमियम पेट प्लेट है ये, मैंने खुद से डिजाइन की है। तो मैंने एकदम ठंडे ठंडे कूल कूल हो गए हैं। अभी मैं इससे ये लूंगी, क्योंकि इसमें जो मैं आपको बोली ना, इसमें ये नहीं होता। और इसमें एक मुझे बड़ा वाला देने पड़ता है, ये वाला ही। अलग अलग कलर्स के देंगे हम। तो गाइस फाइनली ये वाला भी प्लेट रेडी है, तो चलो हम इसको सर्व करते हैं। ये लीजिए मैम, ये लीजिए सर, ये आपका पिज्जा दोनों का, और ये जेली है
वेट अ मिनट, मैं आपके लिए स्पून लाना तो भूल ही गई। ये लीजिए और मैं पानी भी लाती हूँ। और ये लीजिए आपका पानी। और गैस हमारे फ्राइज भी रेडी हो गए हैं, तो चलो इनको निकाल देते हैं एक प्लेट में। नहीं, एक काम कर रहे हैं, हम इसमें रख देते हैं। और अभी हमें ये फ्राइज है वो डिलीवर करने हैं। तो गैस इसमें ये मैंने ये कंटेनर में सारे फ्राइज रिजर्व करे, अभी हम ये इनको डिलीवर करेंगे। तो ये डिलीवरी बॉय आएगा इसमें डिलीवरी। तो चलो अभी हम दूसरा सब खाना बना देते हैं। बहुत थक गई हूँ, पता नहीं शेफ लोग कितना कर काम करते, वो थक कैसे नहीं जाते पता नहीं। हाय बहुत थक गई। और मेरा किचन का हाल तो देखो, तो जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी, हमारा खाना हो गया है, खाना बहुत अच्छा था, क्या हमें जूस मिल सकता है? यस मैम, आपको मिल सकता है। आपको कौन सा जूस चाहिए, ऑरेंज या वो जेली वाला जूस? नहीं अभी हमें जेली वाला नहीं चाहिए, हमें आप एक काम करो ऑरेंज जूस दे दो। ओके मैम, जूस पर 20 रुपीज है एक ग्लास का। चलेगा, हम दोनों को दो दो ग्लास दे दो। ओके मैम, मैं ये लेके जाती हूँ। मैं तो बहुत थक गई हूँ, पता नहीं ये शेफ अंकल कितने काम करते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताना और लाइक कर देना। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।